हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ श्वेता और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों मेरी फ्रेंड हैं जिनसे कि आप पहले ही मिल चुके हैं। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ जो कि आपने टाइटल में देखा है, उसी की वजह से आप मेरे इस वीडियो पर आए हैं। तो पूरा फुल वीडियो वॉच करिएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या मिला है मेरे मायके से, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है, मेरे लिए लाखों का है। तो वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और अभी हम लोग आंटी के रूम में आए हैं ऊपर, तो पीहू को मैं दूध दे रही थी पीने के लिए, तो ये नहीं पी रही थी। तो सब लोग कोशिश कर रहे थे कि पी लो, बट उसने नहीं पिया। एट लास्ट जब मेरी फ्रेंड ने बोला कि लाओ मैं पिलाती हूँ, तो जब वो पिलाएगी तो फिर वो लास्ट में पी ही लेगी। तो वही है, और यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। बचपन से मेरी ये फ्रेंड्स आती रही हैं, तो सब लोग आंटी को भी जानते हैं, मेरी चाची को, सब एकदम घर जैसा ही है, फैमिली के मेंबर्स जैसे ही हैं। और हम लोग सब लोग अपने बातें कर रहे हैं, स्कूल की, बचपन की। तो ये देखिए, पीहू ने पीना स्टार्ट किया और बहुत मुश्किल से उसने पिया है, तो लेकिन पी लिया, थैंक गॉड। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और मेरे मायके के व्लॉग आप इन्जॉय कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी ये लोग जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, मौसम एकदम से ख़राब हो गया है। चलिए मिलती हूँ आपको कैमरे के आगे आकर। वेलकम टू माय चैनल, मैं श्वेता, अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी जैसा कि आपने देखा, मेरी फ्रेंड्स आई थी, तो हम लोग ने बहुत सारी बातें वातें करी, बैठे थे, चाय नाश्ता हुआ, और आज बारिश हो रही है, तो इस वजह से वो लोग, उन लोगों को जल्दी निकलना पड़ा कि जैसे ही हल्की बारिश होती है वो लोग निकल गई, नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती। बारिश तो हो रही है बट ये बहुत लाइट बारिश थी, तो मेरी फ्रेंड्स चली गई हैं और बस मैं बैठी थी। तो मैंने सोचा, आज मैंने सुबह से कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी है, बातें नहीं करी हैं, तो सोचा चलो आप लोगों से भी थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। और मम्मी पापा आज किसी काम से बाहर गए हैं, तो मैंने इसीलिए ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी कि मैं क्या दिखाती आज आपको, इसलिए। और पीहू इधर बैठी हुई है, वो सो के उठी है, तो अभी थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है। और मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखा दूंगी कि हम लोग इतने सारे दिनों में क्या क्या शॉपिंग किए, मम्मी ने क्या क्या ख़रीदा, और मुझे क्या दिया है, पीहू को क्या दिया है। इसका मैं एक सेपरेट व्लॉग बना दूंगी जब मैं मुंबई पहुँच जाऊँगी तब। तो अभी मैं आ गई हूँ आंटी की किचन में। आज आंटी यहाँ पे बना रही हैं बहुत सारी वैरायटी वाली पकौड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तिलैया होती है, पता नहीं आप लोग मनाते हैं कि नहीं, तो वही फेस्टिवल होता है जिसमें कि रात में बहुत सारे वैरायटी वाली वड़े बनते हैं और मूंग के पकौड़े बनते हैं। अगर आप लोग, क्या होता है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा मुझे। तो वही हम लोग यहाँ पे आज डिनर में हमारा यही होने वाला है, वैरायटी वाली पकौड़ियाँ, मतलब तरह तरह की पकौड़ियाँ खाओ। तो वड़े हो गए, मूंग दाल के वड़े हो गए, और चने के दाल के, और क्या बोलते हैं, दही बड़े, बैंगन के, साबूदाने के, भजिया, मतलब वैरायटी वाली जो जो आपको खाना है वो बना सकते हैं। और क्या बोलते हैं, बाजरे के पुए ज़रूर बनते थे, जब मेरी दादी थी बनाती थी ना, तब बाजरे के पुए ज़रूर बनाते थे, दादी बनाती थी चूल्हे पे, बहुत पहले की बात है, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब, तो दादी ज़रूर बनाती थी, वो सब बहुत याद आता है मुझे। और घर पे हूँ आज के दिन, तो और भी सारी बातें याद आ रही हैं, तो वही है। और अभी यहाँ पे आंटी बना रही हैं, मैंने आपको बताया मम्मी है नहीं, तो मैं आंटी के साथ ही आज यहाँ पर डिनर करने वाली हूँ। रात तक आ जाएंगी मम्मी पापा, लेकिन मैं यहीं पर ही खा पी लूँगी, तो फिर हैवी हो जाता है ये, तो शायद मैं नहीं भी खाऊँ डिनर करूँगी। और यही आज हम लोग खाएंगे अभी, तो आपको मैं और आंटी साथ में खाते हुए भी आगे दिखाई देंगे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा ज़रूर, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं। और आप लोगों ने अपना गिव अवे वाला अनाउंसमेंट जो मैंने किया था, वो आपने चेक किया कि नहीं किया, और जिन लोगों को अभी गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब जो विनर नहीं हुए हैं, वो प्लीज़ उदास ना होइएगा, अगला बहुत जल्दी मैं फिर से गिव अवे का अनाउंसमेंट करूँगी, तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा, हो सकता है अगले में आपका नाम आ जाए।
और आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए यहाँ पे पकौड़ियाँ निकल चुकी हैं और आंटी जी ने हम दोनों लोग की प्लेट लगा ली है। तो मैंने कहा चलो मैं भी फ्राई करती हूँ, बट वो मना कर रही थी। मतलब मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ, उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम मत करो। बट फिर भी मैंने कहा चलो मैं करती हूँ, आप कुछ काम से बाहर जा रही हैं तो कर लीजिए। और यहाँ पे अब मैं खा भी रही हूँ, आंटी ने प्लेट निकाल दी थी तो मैंने कहा चलो मैं खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जैसे ही कढ़ाई से निकले ना तो मेरा मन करता है तभी खा लो, वरना ठंडा हो जाता है। तो आंटी ने कहा वहाँ तो ठंडा ही खाती हो, क्योंकि खुद बनाओ तो फिर खिलाने के बाद लास्ट में खाओ तो ठंडा हो ही जाता है इसीलिए। और मुझे और आंटी को गरम गरम बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस समय कृष्णा रिकॉर्ड कर रहा है, मेरा भाई। मम्मी की साड़ियों का कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले भारी साड़ियाँ होंगी। तो चलिए मैं आपको पहले सबसे पहले भारी भारी साड़ी का कलेक्शन दिखाती हूँ। हैवी साड़ी जो पार्टी वेयर फंक्शन वाली होती हैं वो। और इसको नीचे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बनारसी साड़ी, जिसे कि आप सिल्की साड़ी बोलते हैं कैसे। बनारसी साड़ी है तो पहली साड़ी ये है। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ वरना ये व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये है और सिल्क की साड़ी, ये देखिए सिल्क की दिखाती हूँ मैं आपको। और ये सारी साड़ियाँ बहुत, ये वाली तो बहुत पुरानी है, कम से कम 15 साल पुरानी साड़ी होगी ये वाली, बट आज भी जब ये पहनी जाती है तो ये बहुत अच्छी लगती है। और कौन से 15 साल पुरानी, हाँ ये वाली 15 से 20 साल पुरानी साड़ी है। और ये तो न्यू है, आजकल जो लेटेस्ट फैशन में चल रही होगी ये वो है। जल्दी जल्दी दिखाती हूँ फिर अब आपको। एक ये है, ये भी पार्टी वियर और हैवी साड़ी है। ये है सिल्क, ये है पार्टी वियर साड़ी, ये देखिए इसका कलर भी बहुत सुंदर है और ये पहनने पे बहुत ज्यादा प्यारी साड़ी लगती है। बिल्कुल सामने इसका जो पल्लू है, आंचल जिसे बोलते हैं, ये देखिए ये है ये साड़ी। पार्टी वियर साड़ी है, इसमें ऐसा एम्ब्रॉयडरी है देखिए पूरे में। और इसका जो पल्ला है वो बहुत ज्यादा हैवी है, ये देखिए ये। बाकी तो ये नॉर्मल साड़ीज हैं ये वाले, ये देखिए। एक ये सिल्क की साड़ी है, ये देखिए मैरून कलर की है और ये पहनने पे बहुत अच्छी लगती है। ये येलो कलर की है, ये बहुत अच्छी लगती है चुंदरी प्रिंट की साड़ी। एक ये येलो है, तो ये सारी साड़ियां हैं। और ये देखिए कि ये है जॉर्जेट पे है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। और ये एक और पार्टी वेयर साड़ी है, ये ग्रीन कलर की, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। निकल जाइए, ये देखिए। तो ये इसका पल्लू पूरा ऐसा, और ये भी एक पार्टी वेयर साड़ी है, इसका कलर बहुत अच्छा है। ये एक सिल्क की साड़ी है, ये देखिए। तो ये सिल्क की साड़ियाँ तो हमेशा फॉरएवर होती हैं, आप कभी भी पहनो। और एक ये पार्टी वेयर साड़ी है, ये भी बहुत प्यारी सी है, ये देखिए इसका बॉर्डर बहुत अच्छा है। लाइट की हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, इस वजह से आपको कम समझ में आ रहा हो, ये देखिए। और एक ये देखिए, ये भी ग्रीन कलर की पार्टी वेयर साड़ी है, ये देखिए।
जो बहुत ही प्यारी ग्रीन साड़ी है, और ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब जितने साल मेरी शादी के हो गए हैं मम्मी ने, जितने साल मेरी शादी के हो गए हैं ये मम्मी ने तब खरीदी थी और उसी दिन पहना था, आप लोग ने देखा होगा वीडियो पे। और एक ये भी साड़ी थी शादी में मम्मी ने पहना था रात में, ये देखिए मेरी शादी पे। तो ये वाली साड़ी तो बहुत प्यारी है, बहुत हैवी है। आप लोगों को कैसी लग रही है साड़ी का कलेक्शन बताइएगा कमेंट करके। और एक साड़ी और दिखाती हूँ, वो भी पार्टी वेयर साड़ी है, इसको साइड रख देते हैं। और ये देखिए एक ये भी पार्टी वेयर साड़ी है, ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा है, सी ग्रीन सी है और मल्टी कलर में है, ये देखिए। तो ऐसे दिखा देती हूँ मैं कि कौन कौन सी साड़ियाँ यहाँ पूरी रखी हुई हैं। रुकिए आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। रेड, ये देखिए ये सारी पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं, ये लाइन से रखी हुई हैं। और ये लाइट सिल्क है, अभी पता नहीं इसका क्या नाम है, हम क्या बोलते हैं, शायद कांजीवरम बोलते हैं क्या, आप लोग को पता है तो आप लोग बताइएगा। नीचे ये सिल्क की साड़ी रखी है। और ये सारी डेली वेयर टाइप की है, मतलब जब मम्मी मंदिर जाती हैं या कुछ पूजा पाठ होती है तो पहन लेती हैं। ये भी ऐसे ही जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं। और कॉटन की भी साड़ी है, कॉटन की इधर रखी हुई है, ये सिल्क की है, ये हैं कॉटन की साड़ियाँ, ये देखिए ये है जॉर्जेट की। और ये भी हल्की पार्टी वेयर की है, जैसे कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो भी, ये सिल्क वाली नीचे जो मैंने आपको दिखाई थी। और एक ये भी साड़ी है, और ये इसका ब्लाउज है स्काई ब्लू कलर का, फिरोजी कलर जो होता है ये वो है। तो ये सारी साड़ियाँ जो हैं ये कॉटन वाली हैं, तो मम्मी ने अभी कॉटन की अलग से निकाली, तो मैंने कहा चलो आप लोग को एक एक ये भी दिखा देती हूँ। तो बस अब ये मैं सारी साड़ियों को अंदर सेट करके मैंने रख दिया है। और अभी मुझे मम्मी ने दिया है वो क्या बोलते हैं हरेरा बनाया था मम्मी ने, ठंड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आप लोग जानते होंगे हरेरा क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं अभी खा रही हूँ, मम्मी ने बहुत ज़्यादा सा बनाया है मेरे ले जाने के लिए भी। तो हरेरा बर्फ़ी वाली स्टाइल में बनाया है, दिखाऊँगी आपको कैसा होता है और कैसा मम्मी ने दिया है। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ है वो गिफ्ट जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। तो ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये क्या है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी लोगों के लिए बात होगी कि बहुत छोटी सी बात होगी कि ये कप है, बट आप इस कप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच में बहुत ही अनमोल तोहफा है ये मेरे लिए। और मम्मी पापा का दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ है, और मेरे लिए ये बहुत अचीवमेंट की बात है कि आज मैं इस मुकाम में पहुंची हूं और ये मुझे करने का, ये लिखवाने का कप में मौका मिला कि मेरी फ़ोटो लगी है और साथ में इंडियन ब्लॉगर बुलबुल लिखा हुआ है। तो वो बहुत फ़ख्र फील हो रहा है ऐसा देख करके, और बहुत ही हैप्पी हूं मैं इस गिफ्ट के लिए, और बहुत ही थैंकफुल हूँ मम्मी पापा को कि उन्होंने मेरे को ये बनवा करके दिया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, थैंक यू। और ये देखिए बहुत ही अनमोल तोहफा है मेरे लिए, आप लोग को ये कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात हो, बट मेरे लिए तो ये बहुत प्रीशियस है। और आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको इसमें बहुत बार मैं चाय कॉफ़ी पीती हुई दिखने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून और वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे और व्लॉग्स देखने के लिए। तो बस चलिए इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।